Next, Hukumdev Narayan Yadav. सभापति महोदय, पिछले सत्र में इस विधेयक पर चर्चा प्रारंभ हुई थी। शायद 1977 से मैं पार्लियामेंट में हूँ, किसी सरकारी विधेयक पर या संकल्प पर या गैर सरकारी विधेयक संकल्प पर प्रस्तुतकर्ता ने इतना लंबा समय नहीं लिया होगा। 1.5 घंटा शायद प्रधानमंत्री का भी भाषण नहीं हो पाता है। उन्होंने अपने इस विधेयक के समर्थन में दुनिया भर के और भारत के जो चुनाव आयोग हैं या चुनाव से निर्वाचन के संबंध में सुधार के लिए जितनी समितियां बनी उन सबों की चर्चा की, उसके अतिरिक्त भी किया। जिन बातों का जिन विषयों का इस विधेयक से कोई संबंध नहीं है वो एक अलग विषय है कि राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति, ये अलग विषय आज से नहीं बहुत दिनों से चर्चा है। समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इसी सदन में 1964 से लेकर 66 तक इसी सदन में थे और शायद जिस तरह मैं बैठा हूँ उसी तरह किसी बेंच पर बैठ करके वो बोला करते थे। यह सदन में भी उस समय चर्चा के समय में उन्होंने रखा था और वो दृढ़ता के साथ कहते थे और हम लोग भी उसको मानते थे, मानते रहे हैं। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है, राजनीति अल्पकालीन धर्म है। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है। धर्म एकांगी हो जाए और राजनीति एकांगी हो जाए तो राष्ट्र का सर्वनाश अवश्य कर देगा। अगर वह सर्वांगीण रहे तो राष्ट्र का विकास करेगा और राष्ट्र का उत्थान भी कर सकता है। उसको समग्रता में चिंतन करने की आवश्यकता है। आखिर ये मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मत देना चाहिए, इसके लिए विधेयक बनाया जाए। आखिर उसका कारण तो ढूंढा जाए। जितने कारण गिनाए गए उसके अतिरिक्त भी कारण है कि अनिवार्य मतदान क्यों करें। मैं एक मतदाता हूं, मैं भारत का गरीब हूं, निर्धन हूं, निर्बल हूं, पिछड़ा हूं, दलित हूं, झोपड़ी में रहता हूं, वोट डालने जाता हूं, मेरी झोपड़ी के सामने ही लठ लेके खड़े हो जाते, निकलने नहीं देते। मतदान केंद्र पर जाता हूं, पीट के भगा दिया जाता, हमारी बहु बेटियों को नंगा कर दिया जाता। तो क्या हम अपने वोट अनिवार्य वोट डालने के कारण हम अपनी सभी इज्जत को लुटवा लें? क्या मेरी इज्जत की सुरक्षा देने वाला कोई हुआ? और जो आज तक वोट लूटने वाले हुए, बल प्रयोग करने वाले हुए और जबरदस्ती करने वाले हुए, ऐसे किसी लोगों को सजा दी गई? उनको कुछ मिला? क्या कारण है? देश जब आजादी के जंग लग रहे थे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, उस समय राष्ट्रपिता के समय में लोगों के अंदर एक आशा थी, क्या हिंदुस्तान आजाद होगा, दूध दही की नदियां बहेगी, कहीं न होवे छोट बराई, गले मिले सब भाई भाई, ऊंच नीच का भेद न होवे, सुख का होवे डगर डगर, हम चलो बसाए नया नगर। ये जो आजादी के दिनों में गांधी जी के सामने हमने सपना देखा था कि हम देश को आजाद करेंगे, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सत्ता से मुक्त होंगे, एक ऐसे नवीन भारत का निर्माण करेंगे, उस आशा में हम चलते चले गए। जब वो आशा की पूर्ति नहीं हुई, देश आजाद हुआ, आजादी के लोग थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो देश के बागडोर उनके हाथ में आया, लेकिन उसके बाद जब समय बदलता गया और मिलावट होती गई तो राजनीति में वैसे लोग प्रवेश करते गए जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सत्ता की दलाली करते थे, जो उनके इन्फॉर्मर बने हुए थे, जो अंग्रेज के साथ मिलकर के लोगों को जेल में भिजवाने वाले थे, ऐसे लोग राजनीति में प्रवेश करते गए। और उस समय जो गरीब, निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित, किसान, मजदूर, जो राजनीति देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था, वो पीछे धकेले गए, वो धकेलते गए, वो पीछे हटाते गए, हटते गए वो। और जो अंग्रेज के साथ थे वही पूंजीपति, वही लोग, बड़े बड़े लोग राजनीति के शिखर पर आते गए। तब से लोगों के मन में निराशा आई, प्रत्याशा, आशा तो पूरी नहीं हुई, लोग इस प्रत्याशा में थोड़े दिनों तक रहे कि अब देश में कुछ होगा, परिवर्तन होगा, गांधी का सपना पूरा होगा, स्वराज आएगा, सुराज आएगा और हिंदुस्तान एक नया हिंदुस्तान बनेगा,
जहां सभी प्रकार के समाज शोषण मुक्त होगा। गांधी का ही दर्शन था कि स्टेट राज्य विहीन समाज की कल्पना वो करते थे, वर्ण विहीन, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की कल्पना करते थे। क्या हम कर पाए? जब ये प्रत्याशा में लोग थोड़े दिन चले, उन गरीब निर्धन निर्बल पिछड़े दलितों की उस प्रत्याशा की भी पूर्ति नहीं हुई तो उनके अंदर निराशा आने लगी कि कुछ नहीं होने वाला है, कोई नहीं सुनने वाला है, अब हमें कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। और उस निराशा से निकल के अब वो हताशा की स्थिति में चले गए हैं। और आप कहते हो कि वोट डालो, किसको वोट डालें? अभी जब प्रकाश अग्रवाल जी कह रहे थे कि अनिवार्य मतदान करो, कहते थे हम राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन अगर गुजरात की सरकार ने स्थानीय स्वशासन के चुनाव में मतदान अनिवार्य मतदान का अगर प्रावधान किया है, वहां के विधानसभा ने पास किया है, क्या गुजरात की विधानसभा चुनी हुई प्रतिनिधियों की सभा नहीं है? वहां के विधायक क्या वोट से चुन के नहीं आए हैं? वहां के विधानसभा ने बहुमत से विधेयक पास किया और हम कहते हैं कि अपनी मर्जी से कर दिया। तो लोकसभा भी हम करेंगे तो हमको भी कोई कहे कि लोकसभा में बैठे बैठे सब अपनी मर्जी से कर दिए, लोकसभा में फालतू बकवास कर गए, तो क्या हमको अच्छा लगेगा क्या? इसलिए किसी भी राज्य विधानसभा के द्वारा बहुमत से पारित किसी विधेयक की अगर हम आलोचना करते हैं तो हम लोकतंत्र के माँ के कोख पर लात मारते हैं। इसलिए मेरी विनम्र नहीं, आप कह चुके हैं, आप सुनिए कृपा करके, आप कृपा करके सुनिए। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है, उसमें उन्होंने एक प्रावधान भी दिया है जिसको कहते हैं नकारात्मक वोट। गुजरात की सरकार ने अपने उसमें दिया कि उम्मीदवारों को अगर न पसंद हो तो आखिरी में तुम लिखो मुझे कोई पसंद नहीं है। एक नया प्रयोग हो रहा है, हमें कोई पसंद नहीं है। अब प्रश्न आता है कि गुजरात की सरकार यहां तक गई, बिहार विधानसभा ने पास किया, पंचायती राज के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया और उस आरक्षण में पिछड़े वर्ग दलित सबके लिए प्रावधान किया, महिला में भी महिला है तो उस महिला के अंदर भी किया। इसलिए कि महिला में भी जैसे पुरुष में समाज के अंदर ये दबे कुचले लोग अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं, उनको आरक्षण का मतलब क्या? विशेष अवसर, जो कमजोर हैं उनको विशेष मौका विशेष अवसर दिया जाए जिससे कि आगे बढ़े। अगर घर में कोई बीमार है तो उस बीमार को सेब संतरा फल सब्जी दवाई दूध मक्खन दिया जाता है कि खा के तंदुरुस्त बने और यह भी परिवार का एक स्वस्थ सदस्य बन सके। लेकिन अगर कोई घर के परिवार का तगड़ा भाई कहे कि इस बीमार को जितना खाना दोगे उतना मुझको भी खाना दो, तो वह अन्याय है, वह अमानवीय है। इसलिए आरक्षण का मतलब था विशेष अवसर। विशेष अवसर देने का मतलब कि उनको अलग से अवसर दिया जाए जिससे वो बराबरी में आ सके। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना होगी कि आप इस समग्रता में चिंतन करो। तो बिहार विधानसभा ने एक विधेयक पास किया, उस विधेयक में उसने सबसे पहले स्थानीय निकाय के चुनावों में 50% आरक्षण की व्यवस्था की और उस आरक्षण की व्यवस्था में अति पिछड़े वर्ग और महादलित जिसको कहते हैं कमजोर, दलितों में भी अति कमजोर और पिछड़ों में भी अति कमजोर हैं, उनके लिए कुछ प्रावधान की व्यवस्था की जिसको कहते हैं अन टू दिस लास्ट, जो थ्योरी रस्किन ने दिया था जिसके आधार पर संत विनोबा ने सर्वोदय और महात्मा गांधी ने अंतिम मानव का दर्शन दिया और दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर लोहिया उसको समता समाज और समरस समाज तक ले गए थे। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि उन्होंने ऐसा किया तो आखिर मतदान करने के लिए वो नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है? क्या आप अगर नकारात्मक वोट की दीजिए कि अगर हमारा चुनाव होता है, उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं, उसमें एक नीचे रहे मुझे कोई पसंद नहीं है, वह भी बटन दबे और मान लो जीतने वाला उम्मीदवार को 100 वोट आ गया और निगेटिव वोट 150 आ गया तो वह चुनाव को रद्द कर दिया जाए और पार्टियों के द्वारा जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो उम्मीदवार फिर दूसरी बार खड़े न हो, फिर नए उम्मीदवार को लाओ, तब अनिवार्य मतदान का कुछ महत्व निकलेगा। क्या अनिवार्य मतदान किसको कह दो? हमारे सामने भूखा हूं मैं, आप कहते हैं खाओ, खाने के लिए क्या है? ये भैंस है, ये गाय है, ये घोड़ा है, ये गधा है, उनकी लीद हमारे सामने रख दे, क्या तुम इनमें से जो पसंद पड़े सो खा लो? क्या ये तर्क है? यह मानवीय तर्क क्यों देते हो?
हमें अगर कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, और अगर हम कॉलम में दे देते हैं कि ये उम्मीदवार मुझे पसंद नहीं है उसमें से कोई भी, और अगर वह निगेटिव वोट का की संख्या जितने जीतने वाले उम्मीदवार जो जीतते हैं सबसे उनसे ज्यादा अगर निगेटिव वोट हो तो पूरे चुनाव को रद्द कर दो, उन सभी उम्मीदवारों को हटा दो, फिर हर पार्टी नए उम्मीदवार लेके आओ, तब कहीं लोगों के अंदर एक अभिलाषा जगेगी कि हमारे मन के लायक उम्मीदवार आया है और हम चुन सकेंगे। हमारे मन का तो कुछ है नहीं, राजनीतिक दल के द्वारा उम्मीदवार खड़े होते हैं, उनको सिंबल दे दिया जाता है, राजी या बेराजी तुमको वोट देना है, उसी में से तुमको चुनना है। अब किसको चुनो, तो एक थेसिस आई थी, लेसर इविल एंड ग्रेटर इविल, बड़ा दुष्ट और कमजोर दुष्ट, दुष्ट कहीं बड़ा होता है या दुष्ट कहीं कमजोर होता है। डॉक्टर लोहिया ने जब राजनीति में इस थेसिस को दिया था, ग्रेटर इविल एंड लेसर इविल, तब उन्होंने गैर कांग्रेसवाद की दर्शन नीति को देते हुए कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ा कांग्रेस दुश्मन है, इसलिए कांग्रेस जैसे बड़े दुष्ट को हटाने के लिए सभी छोटे छोटे राजनीतिक दल आपस में मतभेद भुला के इकट्ठा हो जाओ, वहीं से ये गैर कांग्रेसवाद का दर्शन चला। तो उसी तरह से आप जो कहते हो कि उम्मीदवार हम खड़े कर दिए राजनीतिक दलों से, इसमें से जो पसंद हो सो चुनो, न चुनना हो तो ग्रेटर इविल एंड लेसर इविल, बड़ा दुष्ट सब ताकतवर दुष्ट और कमजोर दुष्ट में से जो चुनना हो उसको चुन लो। आखिर दुष्ट तो दुष्ट ही है साहब, जो इविल है, जो दुष्ट है, वह दुष्ट न कमजोर होता है न दुष्ट बलवान होता है, समय और अवसर के पाने पर निर्बल भी दुष्ट बलवान बन जाता है और बलवान दुष्ट भी निर्बल बन जाता है। इसलिए राजनीति का शुद्धिकरण, राजनीति के शुद्धिकरण की दिशा में हमको प्रयत्न करने का बढ़ना चाहिए। अनिवार्य मतदान होगा, लेकिन अनिवार्य मतदाता सूची में नाम कहाँ आता है साहब? हमको कहते हो कि मतदाता सूची में नाम, आज भी जो गरीब हैं, निर्धन निर्बल पिछड़े दलित समाज के हैं, चले जाइए उनके यहाँ से, आज भी उनके 30% 40% उनके लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं रहता। क्यों? आप दौड़ करके जाओ, फोटो खिंचाओ, फिर ऑफिस में जाओ, जहाँ निर्वाचन जिला अधिकारी के ऑफिस है उस कार्यालय में जाओ, वहाँ फार्म भरो, वहाँ अपना नाम लिखाओ, एक दिन जाओ, दो दिन जाओ, तीन दिन जाओ, दौड़ो, नाम है मेरा हुकुम देवनारायण यादव, अब फोटो लग गया इनका, फोटो लगा है इनका, नाम है मेरा, कैसे काम चलेगा साहब? वोट गिराने जाओ तो नाम है किसी का, फोटो है किसका, मेरा नाम है हुकुम देव नारायण यादव, उसमें लिखा दिया गया हुकुम देव नारायण देवी, अब देवा को बना दिया देवी। अगर ये गलत मतदाता सूची बनाए जाते हैं उसमें अगर फोटो गलत लगाया जाता है तो जो अधिकारी करने वाले हैं उन अधिकारियों के लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए कि अगर वो मतदाता सूची गलत बनाते हैं, नाम गलत लिखते हैं, उसका विवरण गलत देते हैं, उनका फोटो गलत लगाते हैं, तो इसके अपराध में उन अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए, और जब तक उनको सजा नहीं देंगे तब तक वो सही मतदाता सूची का नहीं बना पाएंगे। ये मैं नहीं कहता, अभी सेंट्रल हॉल में मैं बैठा था, कांग्रेस पार्टी के ही हैं शैलजा जी, जानते हैं, शादीलाल बत्रा जी एडवोकेट हैं, MLA रहे, अब राज्यसभा में आए हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, अलका बलराम क्षत्रिय राज्यसभा में है, हम एक समिति में हैं, इसलिए चर्चा चले, उन लोगों ने भी कहा कि नहीं ये बात आप सही कहते हैं कि ये इसके प्रावधान का ऐसे सुधार होना चाहिए, उसमें आप इसको करना चाहिए। मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा माननीय विधि मंत्री जी को, ये बहुत ज़्यादा प्रगतिशीलता की बात भी करते हैं और कर रहे हैं, करना भी चाहिए, समाज बदलने के लिए साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, दुनिया को बदलने के लिए अकेले भी चलना पड़े तो चलना चाहिए। हम लोग कभी जब आज़ादी की लड़ाई में या बिहार आंदोलन में लड़ते थे तो हम लोग यही गीत गाते थे कि हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल के मानेंगे, मंजिल के धुन में आए हैं, मंजिल को पाके मानेंगे, सच्चाई के कारण गांधी ने सीने पर गोली खाई थी, सच्चाई के कारण ईसा को सूली पर लोगों ने झुलाया था। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, साहस करिए, अगर आप चुनाव में वोट की अनिवार्यता के लिए करते हैं कौन नहीं देता साहब? दिल्ली शहर, दिल्ली दिल्ली, जिस दिल्ली में बड़े बड़े गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं, जिस दिल्ली में बड़े बड़े लोग हैं,
जाड़े में गर्म, गर्म में ठंडा एसी मशीन लगाते हैं, जहां इतने शौक के साधन हैं, हवा गाड़ी पर चढ़ने की सुविधा, एक एक घर में तीन तीन गाड़ियां, लेकिन उस दिल्ली में वोट का परसेंटेज हमारे बिहार के गांव में वोट डाला जाता है उससे कम है। क्यों? यहां तो सब सुविधा है भाई, पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, एमए हो, पीएचडी हो, एफआरसीएस हो, इंग्लैंड अमेरिका रिटर्न हो, हवा गाड़ी चढ़ने की सुविधा है, किसी चीज का अभाव नहीं है, वोट क्यों नहीं डालते हो? ये पढ़े लिखे सुविधा संपन्न लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, वो वोट कम डालते हैं। एक बात समझ लीजिए, पिछड़ी जाति और दलित समाज के लोग हैं, वो आज वोट डालने का परसेंटेज उनका बढ़ रहा है, क्योंकि इस लोकतंत्र में उनकी जितनी ही हिस्सेदारी हुई है उतनी ही उनकी अभिलाषा भी जगी है, उतनी अभिलाषा जगी है। आई लोकतंत्र का देन है कि आज इस सदन में लालू प्रसाद यादव हो, या मुलायम सिंह यादव हो, या शरद यादव हो, या हुकुमदेव नारायण यादव हो, या रमेश बैस हो, या मेरे सामने बैठे हुए ये बोलिए साहब, ये कलेक्टर साहब थे, कलेक्टर साहब, आईएएस कलेक्टर साहब, और इनको मामूली सा ऐसा सच्चाई के अपराध में इनको दंड दे दिया गया कि ये सदन में पहुंच गए। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, हम लोग कैसे आए, वो शैलजा जी बैठी हैं, इनके पिताजी थे, हम लोग कैसे आए साहब? अगर लोकतंत्र में ये सभी लोगों को बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता, और गांधी अगर ये सब बराबर का अधिकार नहीं दे के गए होते, तो हम लोगों का कहीं स्थान नहीं होता। अगर संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती, तो हिंदुस्तान के किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति में कोई योग्य उम्मीदवार मिलता ही नहीं साहब। योग्यता का मापदंड क्या है? तुम किस माँ के पेट से जन्म लेके आए हो? और भारतवर्ष में यह मान्यता बना दी गई कि अमुक अमुक माँ के पेट से जन्म लेने वाला ही योग्य माना जाएगा, और अमुक अमुक माँ के पेट से जन्म लेने वाली संतान कभी योग्य हो ही नहीं सकती है। इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा अन्याय जिस देश में चलता रहा, सामाजिक अन्याय, उसको अगर किसी ने ठीक किया तो महात्मा गांधी अगर नहीं होते, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, डॉक्टर लोहिया नहीं होते, या ऊंची जाति में जन्म लिए हुए भी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती जन्म लेके नहीं आते, भगवान बुद्ध नहीं आते, महावीर नहीं आते, ये लोग अगर धार्मिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र से लेके अलख नहीं जगाए होते, तो ये परिवर्तन, ये परिवर्तन नहीं आता। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हम लोगों ने अपने परिश्रम से, पुरुषार्थ से इसको बदला है। You see, Mr. K.R. Narayanan, our beloved son of Kerala, become the president of India. Why you are not seeing like this, not pointing out these things? ठीक है, चलिए, मैं अपनी बात आपसे कह रहा था, एक बात सुनो, बिहार के बारे में बोलेगा, एक बात सुनो, मेरी न मजबूरी है और न मेरी विवशता है, न मुझे भय है, न मुझे कोई लोभ है, निर्भय होके मैं अपनी बात बोलता हूं। यह बात मान लो आज भी पिछड़ी जाति और दलित में से किसी को कुर्सी दी जाती है, तो कहा जाता है कि हमने इनको कुर्सी पर बैठाया है, यह सर्कस का शेर देखो, सर्कस का भालू देखो, या बायोस्कोप का खेल देखो, जो सिनेमा दिखाते थे, बायोस्कोप का नाच देखो, मेरे में शैलजा देखो, मेरे में वो बैठे वाले सामने देखो, मेरे में मीरा कुमार जी देखो, मेरे में हुकुमदेव नारायण यादव देखो। ये सर्कस के खेल में अपने को आगे समझ करके कोई गर्व मत करना, गर्व मत करना। अगर ये संविधान के द्वारा संरक्षण नहीं दिया होता, तो हमें आगे बैठने की पंक्ति में कोई स्थान नहीं देता। हमारे पूर्वजों ने भोगा, हम सदियों से भोगते आए हैं, और आज भी बहुत इलाके में भोग रहे हैं, जिसका उदाहरण ये संसद है। अब अनिवार्य मतदान की व्यवस्था करते हो, क्या इस संसद का रूपांतरण हो पाया है? आजाद भारत में इतने दिन गुजर गए, क्या इस संसद का रूपांतरण हो पाया है? संसद का रूपांतरण नहीं हो पाया है। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, आप उस पर जरा गहराई से चिंतन करिए। अनिवार्य मतदान की व्यवस्था जब करेंगे तो मुझे इसके हर्ष होगा, इसलिए कि इसका लाभ मुझे मिलेगा, हमारी संततियां जग रही है और जगती जा रही है। जब अनिवार्य मतदान की व्यवस्था करेंगे तो सबसे जिसकी ज्यादा संख्या होगी वो ज्यादा वोट डालेगा,
जो ज्यादा वोट डालेगा, लोकतंत्र में 51 का राज है, जिसका वोट 51 आएगा उसका राज बन जाएगा। और इसी लड़ाई को अगर मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव और मायावती जी लड़ रही हैं, और चाहे और कोई लड़ रहे हैं देश में, तो सामाजिक क्रांति की लड़ाई लड़ रहे हैं। केवल मनुष्य को रोटी मत चाहिए, रोटी ही नहीं चाहिए, इंसान को दो तरह की भूख है, एक पेट की भूख है, एक मन का भूख है। पेट की भूख मिटती है रोटी से, मन का भूख मिटता है इज्जत से। हमें केवल रोटी दे के मत समझो कि भर पेट रोटी दे दोगे तो हमारी भूख मिट जाएगी। रोटी के साथ साथ मन की भूख, इज्जत की भूख, और इज्जत की भूख है बराबरी का भूख। इसलिए आज इस लोकतंत्र के, लोकतंत्र रूपी माता के वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र रूपी माता ने अपने गर्व से आज हिंदुस्तान के सैकड़ों पिछड़े, दलित, किसान, मजदूर, निर्धन, निर्बल, पीड़ित, उपहासित, उपेक्षित, जिनके पूर्वजों को कभी सड़क पर सीधे चलने नहीं दिया जाता था, आज उनको इस संसद में शेर के जैसे गरजने का अवसर मिल रहा है। यह लोकतंत्र की देन है, यह भारत के संविधान की देन है, यह भारत की स्वतंत्रता की देन है, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की देन है। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, अगर मुझे ये अवसर मिला है तो मैं आप सबों से प्रार्थना करूँगा हाथ जोड़ के कि अपने इस अवसर का लाभ उठाओ। अरे जिस समाज में जन्म लेके आए हो, जिस समाज में जन्म लिए हो, जिस समाज में बढ़े हो, जिस समाज में पले हो, जिस समाज ने तुम्हें उठाया है, जिस समाज ने हमें आगे बढ़ाया है, कम से कम कितनी बड़ी से बड़ी, ऊंची से ऊंची कुर्सी पर जाओ, ऊंची कुर्सी पर जाओ, लेकिन कभी अपने उस समाज की पीड़ा को मत भूलो। एक आंख तुम्हारी, एक आंख हमारी अगर दिल्ली के लाल किला पर रहे तो दूसरी आंख हमारी उन झोपड़ी वाले में भी रहे जहां से हम निकल करके आए हैं। जब तक हमारी एक आंख उन झोपड़ी पर नहीं रहेगी और दूसरी आंख दिल्ली के लाल किला पर नहीं रहेगी, तब तक हिंदुस्तान के राजनीति का परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए आपसे मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, आइए जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करिए, परिवर्तन करिए, अनिवार्य मतदान की व्यवस्था करिए। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि एक हमारे बोल रहे थे तो उन पटेल जी तो उस पर हंसे थे, आखिर मान लीजिए सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं तो पेंशन देते हैं ना, उस दिन का आज अगर छुट्टी हो जाए तो उसका भी भत्ता, उनका वेतन भत्ता मिलता है ना, तो जिस दिन अगर मतदान हो जाए तो किसी के लिए मत करो, लेकिन एक बात कर दो कि गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल के कार्डधारी जितने हैं वो जिस दिन वोट डालने जाएंगे तो जो लोग वोट डालेंगे उनको उस दिन जो ये आपको ये नरेगा वाला जो मजदूरी दे रहे हो 100 रुपया, कितना उन वोट देने वाले बीपीएल कार्डधारी को 100 रुपया मजदूरी सरकार से देंगे। कहोगे क्यों? इसलिए कि कमाता है, राशन लाता है, बच्चों को खिलाता है, नहीं कमाएगा, राशन नहीं आएगा, बच्चा भूखा रह जाएगा, लोकतंत्र में वोट गिराएगा, सभी बच्चे भूखे पेट सो जाएंगे, इस लोकतंत्र से वो क्या पाएगा। इसलिए उनको भी जो गरीब है, निर्धन है, उनको 100 रुपया कम से कम वोट डालोगे, वोट डालने के लिए 100 रुपया की उनकी मजदूरी दो। जब स्टेट फंडिंग की बात करते हैं तो यह भी उसमें क्यों नहीं जुड़ेगा कि 100 रुपया उनको मजदूरी दें जिससे कि वो वोट डालने जाए और अपने उस पैसे से राशन लेके आए, फिर अपने बच्चे को खिलाए। दूसरी बात कि जब वोट की प्रक्रिया शुरू हो जाए और आचार संहिता लग जाए उस दिन से और मतदान की प्रक्रिया समाप्त होने तक हिंदुस्तान में शराब की बिक्री बंद कर दो। कर सकते हैं क्या? अनिवार्य वोट हो जाएगा लेकिन शराब की बिक्री बंद हो जाए। जिस दिन आचार संहिता लगे उस दिन से और जिस दिन वोट का अंतिम दिन हो उस दिन तक सारे हिंदुस्तान में शराब की बिक्री बंद रहेगी। क्यों? कि सबसे ज्यादा हमारे लोगों को सबसे ज्यादा नाश कर रहे हैं ये पैसे वाले शराब के कारण। हमारे लोगों को बरगलाते हैं, हमारे बच्चों को शराब पिलाते हैं, हमारे घर को उजाड़ रहे हैं। तुम ऐसे हो जैसे, समाप्त करता हूं, जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है और उसके मसूरे से रक्त आता है लेकिन वो समझता है कि सूखी हड्डी से रस निकल रहा है, उसी तरह हम गरीबों को चबाते हो। लेकिन आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अब वो जमाना लद गया, आप अनिवार्य वोट की व्यवस्था करो, हमको उसमें लाभ ही लाभ है
हमको कोई नुकसान नहीं है, हमारे लोग अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। धूप में खड़े होना 8 घंटे, अंतिम बात कहूंगा, वोट डालने के लिए 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो बड़े ताकतवर वाले लोग हैं ना, हम भी साहब 1967 में एमएलए बने थे, 62 में लड़े थे, 1969 में मैं ग्राम पंचायत का प्रधान बना था, मैं ग्राम पंचायत का प्रधान बना, ब्लॉक का प्रधान बना, जिला परिषद का अध्यक्ष बना, 3 बार एमएलए रहा और संसद में 5वीं बार रह के भारत सरकार के मंत्री तक गया। गांव की खेत के खलिहान से चल के और लाल किला तक की यात्रा करके मैंने देखा, तो मेरे मुझे रामचरितमानस की पंक्ति आ गई, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहाँ तक अग्नि जोधा, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपते ही, मंदिर महु न दीख बै दे ही। मैं गांव के खेत की गली से निकल के लाल किला तक चढ़ के आया हूँ। मेरे पिताजी और 8 चाचा 4 चचेरा भाई 4 चचेरे भाई स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरा घर लूटा गया साहब, मेरे घर को लूट लिया अंग्रेजी राज में, मैं 3 साल का था, मेरी माँ गोद में लेके नाव पर चढ़ के बाढ़ में मुझे ननिहाल ले गई थी। मेरे भी 8 चाचा मेरे पिताजी 8 चाचा 4 चचेरा भाई स्वतंत्रता सेनानी है, आदर्श गांव बना, उनके पत्थर लगे हुए हैं। जब आज़ादी के गिनाने की लड़ाई की बात आएगी, जो महल में रहने वाले थे उन्होंने अगर आज़ादी की जंग लड़े, किसी ने अपना एक महल दे दिया तो भारत के संग भारत की राजनीति पर कब्जा किया, मेरा घर उजड़ गया, परिवार उजड़ गया, घर जल गया, माँ बाप सब पे परेशान हुए, मैं माँ के गोद में परेशान हुआ था, देश में आज़ादी आई थी। इसलिए इस पीड़ा के साथ लड़ता हूँ कि मेरे पिता ने इस देश की आज़ादी के लिए अपना खून दिया था, मेरे खानदान ने खून दिया, मेरे परिवार ने खून दिया, और हम उस संघर्ष से निकल के आए हैं। इसलिए उस संघर्ष की अग्नि में तपा हुआ आदमी कभी धूमिल नहीं होता है। हम उस संघर्ष की आग को निरंतर जलाते चलेंगे, उस मसाल को निरंतर देख के चलाते चलेंगे, उस दिन की कल्पना के साथ जिस दिन इस भारत के संपूर्ण सत्ता पर, आर्थिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता, सामाजिक सत्ता, सांस्कृतिक सत्ता, प्रशासनिक सत्ता, जितने भी सत्ता है, जब तक उन संस्थाओं पर भारत के निर्धन, निर्बल, दलित, पिछड़े, गरीब, भूखे जिनको कहते हो आप, उनका जब तक पूर्ण वर्चस्व नहीं होगा तब तक भारत में संघर्ष रहेगा। इसलिए अनिवार्य मतदान करिए, हमको सुविधा दीजिए, और अनिवार्य मतदान कोई करे ना करे, अरे साहब किसी को करोड़ों रुपया दोगे तो नहीं मानेगा। हम तो कहते हैं हमारे घर की औरतें, हमारे बाप दादा को, हमारे चाचा ताऊ को, अरे 100 रुपया दे दो वोट के लिए, उनको जरा इंसेंटिव दे दो, देखो कितना वोट का परसेंट बढ़ता, हम तो वैसे ही बढ़ाएंगे। आप न भी दोगे तो मैं अपनी बात समाप्त करके कहता हूँ, आप न भी बढ़ाओगे तब भी हम मतदान केंद्र पर जाएंगे, धूप में जलेंगे, पानी में भीगेंगे, जाड़े में ठिठुरेंगे, मतदान केंद्र पर जाएंगे, इसलिए जाएंगे कि लोकतंत्र पर मुझको अधिकार जमाना है, और भारत की सत्ता पर हमें अपने संततियों को उस सम्मान के साथ बैठाना है जिसके लिए वह भूखा है, वह पूरा करके अनुमान को पूरा करने के लिए ही हम लोकतंत्र में इस सुधार के लिए समर्थन मांगते हैं, और आपसे भी कहते हैं समर्थन दीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट श्री मखबल मिश्रा।